तुम स्क्रीन पे देख सकते हो इस टाइप से आप भी वीडियो को एडिट कर सकते हो वन क्लिक में। आप देखे होंगे इंस्टाग्राम पे किस टाइप से ये वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इस टाइप से आप भी वीडियो को एडिट कर सकते हो। गाइस यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से ट्रेंडिंग में रील्स को आप किस टाइप से यहाँ पे एडिट कर सकते हो। इस वाले आइकन को आप यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको एडिट करने के लिए। किस टाइप से अम्ब्रेला लेके इस लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, किस टाइप से इसके टी शर्ट पे नाम लिखा हुआ, इस टाइप से मैं अपने यहाँ पे वीडियो में सारे प्रोसेस बताऊंगा। किस टाइप से इसको वन क्लिक में आप सबको यहाँ पे सिखा कर बताऊंगा किस टाइप से इसको एडिट कर सकते हो। तो चलते हैं डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सबसे पहले अपने फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। नेक्स्ट सर्च पे क्लिक करने के बाद आप सबको यहाँ पे बिंग इमेज क्रिएटर लिखना है। इसको लिखने के बाद इसके इंटरफेस खोने को इस टाइप से दिखेगा, जो फर्स्ट पेज खुलकर आएगा सिंपल वो पेज पर क्लिक कर लाइक उस वेबसाइट पे आप फर्स्ट पेज क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप यहाँ पे ईमेल डालकर ओटीपी आएगा ईमेल पे एक यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग पर क्लिक करने के बाद ये ज्वाइनिंग हो जाएगा। सारे परमिशन को अलाउ करते जाना है, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो इस टाइप से इंटरफेस खुलने को दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूँ, वो वर्ड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली वहाँ से इसको वर्ड को यूज कर सकते। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप सबको कोई आपको डाउट होगा तो मेरे यहाँ पे कमेंट पे बता। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे कॉन्टेक्ट है, मेरे से यहाँ पे डायरेक्टली कोई बात हो तो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपको यहाँ पूरा यहाँ पे हेल्प करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो इसको स्क्रॉल करना है, पेस्ट करके रखना है। तो इस टाइप से यहाँ पे प्रेस करके रखना, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली पेस्ट कर देना। वहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले, आप आसानी से इसको लिख भी सकते हो और यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। आपको कोई यहाँ पे डाउट होगा मेरे यहाँ पे कमेंट बॉक्स पर यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आप सबको यहाँ पे पूरा बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अब हम लोग इस फोटो को किस टाइप से यहाँ पे एडिट करेंगे वो यहाँ पे जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जिस भी नाम से बनाना चाहते हो, गर्ल्स या फिर आप यहाँ पे बॉयज, सिंपली जो भी आप नाम बनाना चाहते हो सिंपली देख सकते हो। यहाँ पे 20 ईयर ओल्ड बॉयज, सिंपली यहाँ पे आप सबको यहाँ पे गर्ल्स लिखना है। आप बॉयज को बनाना चाहते हो सिंपली आप यहाँ पे बॉय लिखना, विदाउट आप यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे गर्ल्स के यहाँ पे बनाता हूँ, सिंपली देख सकते हो यहाँ पे गर्ल्स लिखना है। इस वाले आइकन पर आपको यहाँ पे गर्ल्स लिखना, इस वाले वर्ड को आपको गर्ल्स लिखना। उसके बाद आप सबको नीचे पे आना, नीचे पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप जो भी नाम से बनाना चाहते हो सिंपली वो आपको यहाँ पे नाम लिखना। देख सकते हो कुछ स्टेप से अपना यहाँ पे नाम लिखना, देख सकते हो यहाँ पे स्वेटर विथ यहाँ पे मोहसिन लिखा हुआ, मैं अपने नाम से यहाँ पे बना चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो स्वेटर के बाद यहाँ पे विथ, उसके बाद यहाँ पे मोहसिन लिखा हुआ। सिंपली ये वाले आइकन को आपको ये वाले वर्ड को कट करना है। तो ये वाले आइकन को कट करने के बाद, वर्ड को कट करने के बाद मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा अरमान के नाम से बनाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे एक अरमान के नाम से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अरमान के नाम से बना यहाँ पे लिख चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट नो का ऑप्शन मिलता है, सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग करना है, तब पे मेरे वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे सिंपली ये वेबसाइट यहाँ पे एआई में कन्वर्ट करके यहाँ पे दे चुकी है। तो आपको यहाँ पे चार इमेज आ चुका है। लाइक आप सबको इमेज पसंद नहीं पड़ता, सिंपली दोबारा से क्रिएट नो पर क्लिक करने के बाद ये इमेज फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी इमेज को आपको पसंद है सिंपली वो इमेज आपको यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये पूरी तरह से यहाँ पे इमेज डाउनलोड हो चुका है। अब इसको वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपकट एप्लीकेशन को। कैपकट एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना है ब्राउजर से। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को एडिट करने के लिए कैपकट एप्लीकेशन को यूज करेंगे। फिर वीडियो बनाने के लिए फिर से ब्राउजर को ओपन करना, ब्राउजर को ओपन करने के बाद सर्च पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे लिखना हाईलैंड आपको लिखना है। यहाँ पे हाईलैंड आपको यहाँ पे लिखना, देख सकते हो इस वाले आपको यहाँ पे वर्ड को सर्च करना हाईलैंड थाईलैंड, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाले टेम्पल सिर्फ कैपकट एप्लीकेशन में वर्क करता है, सिंपली ये वाले आइकन सर्च करना। वर्ड सर्च करने के बाद आपके स्क्रीन पे इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यूज टेम्पल इन कैपकट पर क्लिक करना, इस वाले वर्ड पर क्लिक करना, आइकन पर क्लिक करने के बाद ये रीडायरेक्ट कर देगी आपके कैपकट एप्लीकेशन में। उसके बाद आप सब यहाँ पे यूज टेम्पल पर क्लिक करना है। लाइक इस पर क्लिक करने के बाद आप सब यहाँ पे दो ऑप्शन खुलेगा, वीडियो एंड फोटो। सिंपली यहाँ पे फोटो पर क्लिक करना है। लाइक फोटो पर क्लिक करने के बाद जो फोटो हम लोग वहाँ पे डाउनलोड किए थे उस वेबसाइट पर, सिंपली उस फोटो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना। लाइक इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पे वीडियो एडिट हो चुका है। देख सकते हो पूरी तरह से टेम्पल वर्क कर रहा है इस वीडियो के अंदर, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर दो इंटरफेस खुलने को दिखेगा, एक्सपोर्ट विदाउट ट्विटर मार्क, उसके बाद एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे इस लोगों को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे विदाउट एक्सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। देख सकते हो एक्सपोर्ट विदाउट ट्विटर मार्क, आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे डन का ऑप्शन मिलता है, सिंपली यहाँ पे डन पर क्लिक करने के बाद आपके गैलरी में पूरी तरह से वीडियो सेव हो जाएगा।